So, hey guys, welcome back to New Vlog. दोस्तों कैसे हैं आप सब? So guys, I hope आप सब ठीक होंगे. So दोस्तों आज फिर समझा रहा इवनिंग वॉक पे. So यहाँ बारिश हो रही थी कल और मतलब आज सुबह भी हो रही थी बारिश, लेकिन अभी बंद हो गई है. So दोस्तों अब चलते सीधा. भलु लगुदु भलुले तेरु मठु मठु निटाणो हे भलु लगुदु भलुले तेरु हसी हसी बचाणो हे भलु लगुदु. सो गाइस हम नर्सरी वाली रोड में आ गए हैं जो ब्लॉक फेड से ऊपर है. मिनिस्टर वगैरह जो भी एमएलए वगैरह आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं, लेकिन इस रास्ते को वैसे अच्छा बनना चाहिए था. सो गाइस जो परसों मैंने ब्लॉग बनाया था, मतलब ब्लॉग भी कॉमेडी ब्लॉग था, जो वो मुझे फोर्स किया गया था. सच में मैंने अपने दिल से नहीं बनाया था, इन्होंने जानबूझ के जबरदस्ती मुझे फोर्स किया था. अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे रास्ते, मतलब अगर इस रास्ते से कोई भी गाड़ी वगैरह आती है ऊपर से तो वो मतलब 3-4 किलोमीटर उसको फ़ायदा होता है. 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा. अगर ये रोड नहीं होगी तो 3-4 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, उस साइड से पूरा घूमते घूमते आना पड़ेगा. गाइस मेरे नाना वो भी आ रहे हैं आज, तो मुझे क्या पता हमें मिल जाएंगे शायद रास्ते में मिल जाएंगे. थोड़ी देर में पहुंचेंगे 6 बजे के करीब, और अभी बज रहे 5 बजे. इस टंकी में परसों बंदर नहा रहे थे और एक दूसरे को गिरा रहे थे इस टंकी के अंदर. सो गाइस ये यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिस. दगड़िया आखिरकार हम जंगला तक मत आ गई थी. सो गाइस अब हम सड़क पे पहुंच चुके हैं. हमको आधा गुड़वाना चाहिए. सो गाइस इस जगह में मैच होता है, इसके ऊपर एक फील्ड है जहाँ मैच होता है. कल इस पूरे जगह में कोहरा हो रखा था, दिख भी नहीं रही थी जगह. अभी इतना अंधेरा हो रखा था ना, पता अच्छा। जब मैं घूमने आ रहा था तब अच्छा। दिखा मुझे. तो कहीं से परसों प्राची ऐसा करी जाओ, मतलब इतना गवारपन भी नहीं होना चाहिए जितना ये प्राची करती है. सच में बाई गॉड बोल रहा हूँ, इतना गवारपन. वो तो मजे से होता है, वो तो खुद अपने आप पता नहीं कैसे हो जाता है यार, पता भी नहीं चलता. सो गाइस आपने सोनिका दीदी के ब्लॉग में देखा, सोनिका दीदी अपने ब्लॉग में जो लेटेस्ट ब्लॉग है उनमें ये वाला पत्थर दिखा रही थी. फ्रेंड्स ये वही पत्थर है सोनिका दीदी जहां गांव के लोग रुकते हैं. गांव के लोग जब कोई भी लोग, जरूरी नहीं कि गांव के लोग, जब बारिश आती तो शेल्टर के रूप में. ये थी हम रुपया भी छी. हाँ मैम 20 रुपया छी. कती रुपया? चिच्ची खा ला. 20 रुपया ये कम हल हॉल लगा उच के लगो थे खाने के लिए लगता है हल्दी, मतलब किस लिए लग रखा है? अगर कभी खाने में हल्दी कम हो रही होगी तो इसी नोट की हल्दी निकाल के खा लेना. हाँ इस नोट को आप चूज लेना, फिर से सुखाने के लिए रख देना. सो गाइस आपने उस दिन से देखा होगा कि एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कैमरा क्वालिटी उस दिन से बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि हम जो ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं वो 1+ से शूट कर रहे हैं, 1+7 से. हाँ. इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है. सो गाइस ये वही पत्थर है जिससे आग जलती है. सो गाइस आज मैं आपको कुछ नया गढ़वाली गाना सुनाने वाला हूँ. जैसे कि हाथ थमाली थमाली को बेणू, हाथ थमाली थमाली को बेणू, हाथ थमाली थमाली को बेणू, हाथ थमाली को बेणो, इटी हिटणो इटी एगड़ी हिटणो एगड़ी हिटणो, भले लगुंदु बनुली तेरो मटुमलु हिटोंडु ए भले लगुंदु. गाइस दूसरे दिन से ढंग से सुन जाओ, अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है गाने को बोलने में, लेकिन कुछ ही दिनों में ढंग से जब प्रिपेयर हो जाऊंगा इस गाने के लिए आपको अलग से ब्लॉग भी सुनाऊंगा. एक गाना मैं एक गाना तैयार कर रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट बनने वाला हूँ कुछ ही दिनों में. सो आपसे मैं गाने भी गाऊंगा. सो गाइस
हमारे पास यूट्यूब से इतने ज्यादा रुपए हो गए कि हमने गाय बॉडी गार्ड के जैसे खरीद ली है, तो हमने कितनी उन्नति कर ली है। सो गाइस वेलकम टू कैन्यूर मार्केट, शुरुआत यहाँ से होती है। चलो गाइस यहाँ से लेते हैं कुछ। सो गाइस ये चाचा चाची से लेंगे हम भैया, 500 रुपए ही होगा चाचा चाची। चाचा चाची खाएगी कि नूडल्स वाले कुरकुरे खाएगी? चाचा चाची भी नूडल्स वाले कुरकुरे। अच्छा हाँ, रुपए हैं तो सही, 20 रुपए तो सही। सो गाइस हमने ले लिए हैं नूडल्स वाले कुरकुरे। गाइस देख सकते हो ये है चाचा चाची। बचपन में पूरा पैकेट पूरा 50-60 रुपए का आता था पैकेट, उसमें कितने 20 आते थे ना, पूरे चट कर जाते थे। 1 रुपए का एक है, सॉरी 60-20 आते थे उसमें, 50 रुपए का था 60-20 आते थे। सो गाइस चलो यहाँ से ऊपर जाते हो। ओ भाई खुटे रड़ गए थे मैं। सब यहाँ बैठेंगे, यहाँ आता है पूरा ताजा ताजा सीन। यहाँ देखो सब कैसे बैठ, सो गाइस अंकल वगैरह सब बांस काट के आ रहे हैं जंगल से और गायों के लिए अब गायों को खिलाएंगे। चल गायों को तो बांस खिला देंगे, हमें ये खाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से एंट्री होती है कैन्यूर गांव की। कैन्यूर गांव ऊपर बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। कितनी अच्छी व्यवस्था करी है, देखो यहाँ से कोई बच्चा गिरेगा भी नहीं नीचे। हाँ बहुत स्पाइसी और बहुत टेस्टी हो रहा है सच में। ऐसी जगह में खाने का तो कुछ अलग ही मजा है ना। चाची चाची तो बहुत सुशील होता है। फ्रेंड्स आपने भी खाया होगा, अगर आपने खाया होगा तो कमेंट्स में प्लीज बताओ। अगर नहीं खाया होगा तो यहाँ आना, हम आपको खिला देंगे। सो गाइस कल और आज यहाँ बारिश आई थी, इसलिए नदी का जो बहाव है वो तेज हो गया, जिसे यहाँ बोलते गाड, तो बहुत जोर से लोग बह भी जाते हैं उसमें। सुना तो मैं आपको आवाज। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल था सब्सक्राइब करा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करा। बाय। सो गाइस बेल आइकन को प्रेस करना ऑल पर। सो आज के लिए इतना था, सो बाय।